नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ देश विदेश की मुख्य खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वलसाड़ जिले के नानापुरना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे भावनगर में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस समारोह में 552 जोड़ों की शादी होगी। आज यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा और तेलंगाना की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% रिजर्वेशन देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। सीजीआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। दिल्ली एनसीआर की हवा बीते कुछ दिनों से जहरीली बनी हुई है। शनिवार को दिल्ली में AQI 403 दर्ज किया गया है, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी ने गुजरात चुनाव न लड़ने के लिए ऑफर किया था। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने मुझसे कहा कि गुजरात चुनाव मत लड़िए, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को हम छोड़ देंगे। सारस मिस्ट्री एक्सीडेंट केस में पालघर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दुर्घटना के दौरान कार चला रही अनाहिता पंडोल के खिलाफ आईपीसी 304A यानी उतावलेपन या लापरवाही में गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया है। COP 27 क्लाइमेट समिट आज से मिस्र में शुरू हो रहा है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत वर्ल्ड लीडर्स शामिल होंगे। रूस के कोस्ट्रोमा शहर में एक कैफे में शनिवार को आग लगने से 15 लोगों की जलकर मौत हो गई। कैफे में किसी बात को लेकर 2 लोगों के बीच विवाद हो गया था। इसमें एक शख्स ने फ्लेयर गन चला दी, जिसके बाद आग लग गई। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजे न्यूज के साथ। धन्यवाद।